पूरा आशा और विश्वास करती हूँ कि मुझे ईचागढ़ से फिर से एक बार आशीर्वाद देंगे और मुझे सेवा करने का मौका दे। मुदा गठबंधन का परिवार मजबूत है। हमारे साथ सविता महतो है जो ईचागढ़ की विधायक है और ये दूसरी बार जो है ईचागढ़ से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। इनके साथ निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह हैं और हरेलाल महतो, जो भाजपा गठबंधन होने के बाद जो है कि भाजपा ने इस बार आसू को ईचागढ़ से टिकट दिया है। सविता महतो जो है कि जेएमएम की ओर से हैं, हेमंत सोरेन ने इनके तरफ से दावेदारी की है। एक तरह से सोचिए कि सरकार जो है खुद अपने चुनाव लड़ रही है। हम सविता मैडम से जानना चाहते हैं कि मैडम इस बार जो चुनाव है किस तरह से देख रही हैं, क्या मानते हैं? पहले तो आपका चैनल को मैं जोहार और प्रणाम करती हूँ। मैं मुझे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारे अभिभावक गुरुजी को, उनके मैंने ये तीसरी बार मेरी चुनाव का हम वहाँ का नेतृत्व कर रही हूँ, जो कि 2014 में की थी, उसमें मैं नहीं आ पाई, सफल नहीं हो पाई, लेकिन 2019 में मैं वहाँ पर हमारे ईचागढ़ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्हें हमें आशीर्वाद दिए और मुझे वो ईचागढ़ का जनता का मैं सेवा करने सकी। और अभी भी मैं 2024 में भी मुझे पार्टी में वहाँ का प्रत्याशी का रूप में और वहाँ के जनता का स्नेह और प्यार से मैं फिर एक बार वहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। अभी आपके साथ चुनौती है कि हरेलाल महतो जो है आसू से प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि क्या होगा चुनाव इस पर, टफ है? या एक तरफ मलखान सिंह निर्दलीय जिन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वो भी चुनाव में है। पिछले बार भी जो भी वहाँ के अभी लड़ रहे हैं, कोई भाजपा गठबंधन अरसू लड़ रहे हैं, कोई निर्दलीय लड़े थे, मैं उस समय भी उन सभी से मैं उन क्षेत्र में वहाँ पर नेतृत्व कहाँ करें और उन वहाँ का आशीर्वाद से मैं विधायक बनी। और मेरा अभी भी पूरा विश्वास है कि मेरे गठबंधन जो हमारे गठबंधन के जो सभी साथी कार्यकर्ता यहाँ के और जो भी वहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, वहाँ पर अभिभावक हमारे मामा जी गुरुचरण किस्कू जी, ये चारू किस्कू जी और सभी गठबंधन का भी वहाँ पर सब एकदम अपने पूरा दल बल से वहाँ पर लड़ रहे हैं और मैं पूरा आशा और विश्वास करती हूँ कि मुझे ईचागढ़ से फिर से एक बार आशीर्वाद देंगे और मुझे सेवा करने का मौका दें। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विस्थापित का मुद्दा है ईचागढ़, विस्थापन को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन होता है, विस्थापनों का समस्या को लेकर आप विधायक हैं, क्या मानती है, क्या उसको? हाँ, ये मेरा विधानसभा के बहुत ही महत्वपूर्ण जो समस्या मैंने बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना समस्या है। और मैं जब ही मैं विधायक बनी, विधायक बनने के बाद ही एक कोरोना महामारी जो आए, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि विस्थापित के लिए 61 करोड़ जो राशि दिए वहाँ के, जो बाकी राशि बाकी है वहाँ से 61 करोड़ मुझे मिला और विकास पुस्तिका भी 150 से 200 वहाँ पर हम मैंने बांटे हैं। और बहुत ऐसी समस्या है जो नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसको मैं पुनः जब विधा वहाँ का आशीर्वाद मिलता है तो उसको भी हम पुनः करने की कोशिश। इस बार चुनौती किससे है? चुनौती किसे? अपना मैं दूसरा मैंने नहीं जानती हूँ, मेरा गठबंधन का परिवार मजबूत है। चलिए, हमारे साथ सविता महतो थी जो ईचागढ़ की विधायक है, इस बार 24 में फिर से ये दावेदारी कर रही हैं, जेएमएम ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इनका साफ कहना है कि इस बार जो भी विधानसभा में, हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जो भी कमियाँ हैं उसको जल्द पूरा करेंगे। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अगर हम जीतते हैं तो इस बार जो है कि जो भी अधूरा काम है वो पूरा होगा। 99 न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर।